हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। MPPSC प्री 2023 के लिए बहुत ही शानदार श्रृंखला आज मैं लेके आई हूँ। ये हमारी सीरीज़ का 12वां भाग है। ये 9999 MCQ का एक प्रैक्टिस सेट है। जब हमने इसको बनाना स्टार्ट किया था, जब इसके 11, तब से आपको यही बता रहे हैं कि 9999 MCQ है, लेकिन अभी कुछ क्वेश्चन हम और ऐड करवा रहे हैं, तो ये लगभग 10,100 प्लस प्रश्न का सेट हो जाएगा। यकीन मानिए, इसमें हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं डाल रही हूँ। मैंने खुद अपने हाथों से जो जो मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है उसका मैं MCQ बना रही हूँ और प्रिंट करवा रही हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पहुँचे। मतलब बहुत ही सुपर डुपर ये जो सीरीज़ है आपको 2023 के प्री 2024 के प्री दोनों में ही काम आने वाला है। तो जितने भी लोग वीडियो को पसंद करते हैं, मेरे क्वेश्चंस पर विश्वास रखते हैं, तो इसको ज़रूर लीजिएगा। बहुत ही कम रेट में मैं आपको उपलब्ध कराऊंगी। जो भी हमारा कॉपी चार्ज रहेगा, कुरियर चार्ज रहेगा, वही आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरे हर नोट्स ओनली कॉपी ही होते हैं। मैं प्रिंट नहीं कराती, और प्रिंट में कराती तो आपको 200-300-400 में भी उपलब्ध करवा सकती थी, लेकिन प्रिंट में क्या होता है, एक साथ प्रतियाँ निकल जाती हैं। मैं खुद प्रिंट खुद टाइपिंग करवा के करवाती हूँ, जिससे कॉपी का चार्ज बढ़ जाता है। तो जो भी मुनासिब, बहुत ही कम से कम रेट में आपको ये टेस्ट सीरीज़ उपलब्ध कराऊंगी। इसके पहले की सीरीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो चलिए अब आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा अभिलेख को किस राजा के जीवन तथा चरित्र का वर्णन होता है। देखो, हाथी गुम्फा अभिलेख जो है वो मौर्य कालीन समाज के बारे वर्णन करता है। मौर्य वंश की शक्ति जब शिथिल हो गई थी, तब जो मगध साम्राज्य के जो दूर दूर के प्रदेश थे, मौर्य साम्राज्यों की अधीनता से मुक्त होने लगे थे, तब एक कलिंग नामक एक राज्य था, वो स्वतंत्र हो गया था। मतलब मौर्य काल की जब शक्ति जो होती छीण होने लगी थी। मौर्य काल जो है प्राचीन इतिहास का सबसे पहला और सबसे बड़ा राजवंश था। फिर गुप्तास पीरियड आया था, गुप्त काल आया था। तो मौर्य काल में ही जब मौर्य कालों की शक्ति छीण होने लगी थी, तब क्या हुआ था कि जो मौर्य जो साम्राज्य था, मौर्य जो शासक थे, उसके अधीन जो छोटे छोटे राज्य थे वो भी स्वतंत्र होने लगे थे। उन्होंने भी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली थी। उन्हीं में से एक नाम था कलिंग। तो कलिंग का राजा था खारवेल। तो यही इसका आंसर है, कलिंग का राजा था खारवेल। उड़ीसा में ये कलिंग एक राज्य था, और यहाँ पर एक उदयगिरी नामक पहाड़ी भी थी। कलिंग राज्य में ही उदयगिरी नामक एक पहाड़ी थी, जहाँ पर हमको एक गुफा मिली। उस गुफा में एक शिलालेख उपलब्ध हुआ है। इसी शिलालेख को हाथी गुम्फा शिलालेख या हाथी गुम्फा अभिलेख कहा जाता है। आपसे पूछे किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो कलिंग शासक खारवेल। अच्छा, ये एक और बात है, ये जो कलिंग नरेश थे खारवेल, ये जैन धर्म को मानते थे। किसको मानते थे? ये जैन धर्म। कलिंग नरेश थे वो किसको मानते थे? जैन। इनको बोला जाता है जैन कलिंग शासक खारवेल, इनको मानते थे, है ना। और इस शिलालेख में ये जो राजा थे, उनकी जो भी उनके साथ घटित हुआ था, साल दर साल जो भी उनकी परिस्थितियां थी, वो इस अभिलेख में वर्णन है। एक लेखक थे रिचर्ड सोलोमन, उन्होंने इनके बारे में कहा है, एक शुद्ध स्तुति गान के चरित्र का अनुमान लगाता है। उन्होंने बताया है कि ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है एक शुद्ध स्तुति गान, मतलब इसको पढ़ते हैं ना तो ऐसा लगता है कि स्तुति सी गाई जा रही है, ऐसा इसको पढ़ने से लगता है। तो इसका नाम भी याद रखिएगा, रिचर्ड सोलोमन। आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कहा था कि जो हाथी गुम्फा अभिलेख है उसको पढ़ने में स्तुति सी लगती है, तो किसमें कहा था? हाथी गुम्फा अभिलेख में कहा था। अगला क्वेश्चन है, हाँ, एक और बात आप लोग याद रखना कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उसका निर्माण किसने कराया था? कलिंग राजा खारवेल ने कराया था। ये आपसे पूछ सकते हैं, और कलिंग राजा खारवेल कौन थे? तो ये एक कलिंग शासक थे, कलिंग के शासक थे, जो कि पहले किसके अधीन हुआ करते थे? पहले ये मौर्यों के अधीन हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम था चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनको कहा जाता था। इन्हीं के कारण चंद्रगुप्त मर बने थे। 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व इनका शासन रहा था। 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व इनका शासन रहा था। और इन ये जो चाणक्य थे, इनको चाणक्य इसलिए बोला जाता था क्योंकि इनका जो जन्म हुआ था, जो इनके पिता थे वो चणक नामक व्यक्ति थे, तो चणक इनके पिता थे, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
आपसे ये भी पूछें, एक और आपसे पूछें, चंद्रगुप्त साम्राज्य के दरबारी कवि कौन थे? तो वो थे कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। और एक गिरनार अभिलेख मिलता है, कौन सा अभिलेख? गिरनार। पूछेंगे आपसे गिरनार अभिलेख किसका है, तो गिरनार अभिलेख चंद्रगुप्त मौर्य का ही है। और चंद्रगुप्त मौर्य गिरनार अभिलेख बताता है कि पुष्यगुप्त, गिरनार अभिलेख बताता है कि पुष्यगुप्त, ये नाम याद रखना, पुष्यगुप्त, पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। कौन सा अभिलेख बताता है? गिरनार अभिलेख। गिरनार अभिलेख 150 ईसा पूर्व में आया था और ये बताता है कि पुष्यगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ब्राह्मी लिपि में, हिंदी, देवनागरी में, भोजपुरी में। देखो भोजपुरी तो हो ही नहीं सकता, इसको यहीं से एलिमिनेट कर दो। हिंदी, देवनागरी, उस समय नहीं था, ये भी एलिमिनेट कर दो। दो बचता है, ब्राह्मी या संस्कृत। सम्राट अशोक जो थे वो बौद्ध धर्म को मानने लगे थे और उनके जो अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक के समस्त अभिलेख, चाहे वो लघु शिला अभिलेख हों चाहे लघु लेख हों, ये सभी किस भाषा में थे? ये सभी ब्राह्मी लिपि में थे। किस में थे? ब्राह्मी लिपि में। वैसे इन्होंने प्राकृतिक भाषा में भी अपने लेख लिखवाए हैं, यूनानी में भी लिखवाए हैं और आर्माइक में भी लिखवाए हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं वो किस में हैं? ब्राह्मी लिपि में हैं। किस में हैं अशोक के ज़्यादातर अभिलेख? ब्राह्मी लिपि में हैं। आपसे पूछें मौर्य अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं, तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और मौर्य शासक जो अशोक थे वो पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने संदेश जो है, अपनी बातें जो हैं वो लिखित शिलालेखों के माध्यम से अपना संदेश जनता तक पहुँचाया था। इन अधोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृतिक भाषा में भी थे, लेकिन यहाँ पर प्राकृत है नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी हो जाएगा, प्राकृत भाषा होगी और ब्राह्मी लिपि होगी। देखो भाषा सबसे ज़्यादा, आपसे पूछे कि अशोक के अभिलेख किस भाषा में अधिकांश लिखे गए हैं, तो भाषा अगर आ जाएगी तो प्राकृत भाषा आ जाएगी और लिपि अगर आ जाएगी तो ब्राह्मी लिपि आ जाएगी। याद रखिएगा, भाषा हो जाएगी तो कौन सी हो जाएगी? प्राकृत भाषा हो जाएगी, और लिपि होगी तो वो लिपि कौन सी हो जाएगी? ब्राह्मी हो जाएगी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक भाषा में, प्राकृत जो भाषा होती है, और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आपसे पूछें कि अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? एक नेपाल में अशोक का अभिलेख है रुम्मीदई। कौन सा है? रुम्मीदई अभिलेख। रुम्मीदई अशोक का एक अभिलेख है जो सबसे छोटा है, स्तंभ लेख है, मतलब खंबे पे लिखा गया है, और यह अशोक का सबसे छोटा है और इसको लुम्बिनी में, नेपाल में जो है लेख, रुम्मीदई नेपाल में लिखा गया है। जब लुम्बिनी में अशोक धम्म यात्रा के दौरान गए थे तब अशोक ने वहाँ पर भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की थी, उसका ये स्तंभ लेख है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछें अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है, तो लेख रुम्मीदई नेपाल में। अब क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट बॉक्स, सभी लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, मैंने एक चैनल बनाया है जीके वेतकर, वहाँ आपको महत्वपूर्ण अपडेट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की जो कटिंग है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है, वो सभी आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, तो आप लोग उसको फॉलो जरूर कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में चैनल की। इसके अलावा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और फेसबुक ग्रुप है और इंस्टा, इन सब की लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, तो वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और व्हाट्सएप चैनल है वो कमेंट बॉक्स में। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख या अभिलेख कौन सा है, अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है, सबसे छोटा स्तंभ लेख तो रुम्मीदई नेपाल में है, सबसे बड़ा कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। ब्राह्मी लिपि के जनक कौन थे? बोला जाता है कि ब्राह्मी लिपि के जनक थे। कौन थे? ब्राह्मी लिपि के जनक माने जाते हैं। एक बौद्ध ग्रंथ था ललित विस्तर, वहाँ पे 64 लिपियों के नाम दिए हैं। इस पहला नाम है ब्राह्मी और दूसरा है खरोष्टी। बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तर। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जिसमें 64 लिपियों का वर्णन किया है, तो वो है ललित विस्तर। ललित विस्तर में किया गया है और इस, ये जो 64 लिपियों का वर्णन किया है उसमें जो पहली लिपि है वो ब्राह्मी है और दूसरी है खरोष्टी। किसमें किया है? ललित विस्तर में। अगला क्वेश्चन, फ्रेंड देखो ये है वो जो तूफानी बुक जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ ना, यकीन मानिए ये आपके लिए एक मील का पत्थर, एक रामबाण श्रृंखला सिद्ध होगी। 10,100 इसमें आपको प्रश्न मिलेंगे। तूफानी संग्रह है हर यूनिट के, चाहे वो एमपी का भूगोल हो, चाहे एमपी के खनिज हो, चाहे उद्योग हो, चाहे भारत की जनगणना हो, चाहे एमपी की जनगणना हो, चाहे जनजातियां हो, चाहे कल्याणकारी योजना हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे पुरस्कार सम्मान हो, चाहे खेल कूद हो,
हर कुछ विज्ञान प्रौद्योगिकी हो, सूचना प्रौद्योगिकी हो, रोबोट हो, राज्यपाल हो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, सब कुछ कवर है। करंट अफेयर्स, करंट नियुक्तियाँ, आयोग के जो जो करंट नियुक्तियाँ हुई, आयोग तो मैं भी खुद ही कल ही प्रिपेयर मैंने किया है। पहले मैंने एक ऐसा टेस्ट बनाया एक जिसमें एक टेस्ट में केवल इतना ही है इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे और वर्तमान अध्यक्ष कौन थे, उसको MCQ फॉर्म में बनाया है। बहुत ही शानदार ये श्रृंखला होने वाली है, जल्दी ही लॉन्च होगी, 4-5 दिन में, जितना जल्दी, कोशिश मैं यही कर रही हूँ कि जितना जल्दी लॉन्च हो जाए। और बहुत ही शानदार प्रश्नों का ये संग्रह है, सभी लोग इसको ज़रूर परचेस कीजिएगा। और मैंने बताया है कि इसका रेट भी मैं बहुत कम रखूँगी, तो जल्द ही आपके सामने ये उपलब्ध होगी। बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी भी एड्रेस पहुँचा दिया है इसको मंगवाने के लिए, मैंने आप सभी लोगों के नाम नोट कर लिए हैं। जैसे ही ये लॉन्च होगा, हमारे पास पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूँगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सभी बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पढ़िए, सम्राट अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठे? तो अशोक जो थे, अशोक मगध की गद्दी पर बैठे थे 261 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे? 261 ईसा पूर्व में बैठे थे। हालांकि 268 ईसा पूर्व में ही वो बैठ जाते, लेकिन उन्होंने, उनके जो भाई थे और उनको जो कलिंग जो युद्ध वगैरह किया था उसके बाद उनकी जो गद्दी थी वो 268 पहले पूर्वी ईसा पूर्व ही खाली हो गई थी, लेकिन वो बैठे थे 261 ईसा पूर्व में। तो कोई याद रखिएगा, अशोक जो थे वो कौन थे? अशोक मौर्य सम्राट थे। कौन थे? अशोक मौर्य सम्राट थे, और चंद्रगुप्त मौर्य इनके दादाजी थे और बिंदुसार इनके पुत्र थे। अशोक को देवनाम प्रिय, मतलब देवों का प्रिय भी कहा जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। 268 से 232 ईसा पूर्व, मतलब इनकी इन गद्दी पर ये तब बैठ गए थे, लेकिन युद्ध वगैरह के बाद ये 268-69 पर फिर इनके, इनको पूरी तरह से अच्छा सिंहासन पूर्ण हुए थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा था? कौन सा यूनानी दूत सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा गया था? तो ये भेजा गया था मेगस्थनीज। किसको भेजा था? मेगस्थनीज। हेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था, और ये चंद्रगुप्त जो गुप्ता वाले पीरियड थे उनके समय आया था, और इफ हेरोडोट्स बिंदुसार के समय। तो ये सेल्यूकस के द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के में कौन भेजा गया था? मेगस्थनीज को भेजा था। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलन का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। सेल्यूकस की जो पहले सेल्यूकस लड़ने के लिए आया था, लेकिन फिर उसकी सिकंदर की पराजय हो गई थी, सिकंदर का सेनापति था मैन ये सेल्यूकस, उसने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त से कर दिया था। और उसके बाद उसने अपना एक राजदूत भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में छोड़ा था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेगस्थनीज। ये एक यूनानी शासक था, यूनानी ही राजदूत थे सेल्यूकस, और ये यूनानी ही शासक था। सेल्यूकस निकेटर किस, कौन सा शासक था, ये भी पूछते हैं क्वेश्चन कि जो सेल्यूकस है वो कौन सा शासक था? तो सेल्यूकस एक यूनानी शासक था। सेल्यूकस कौन सा शासक था? एक यूनानी शासक था, और उसका राजदूत कौन सा था? मेगस्थनीज था। मेगस्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है इंडिका, जिसमें उसने मौर्यकालीन समाज की राजनीतिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया है। मेगस्थनीज जो थे वो एक इतिहासकार था, और इसमें इसने भारत की संस्कृतियों के बारे में एक व्यापक लेखन किया है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य में आया था, मौर्य शासकों के समय आया था, तो उसने मौर्य शासक की बहुत विस्तृत जानकारी दी है। उसने पाटलिपुत्र के बारे में, पाटलिपुत्र पुराना पाटलिपुत्र मतलब वर्तमान का पटना, पटना को ही पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। और पाटली, ये भी क्वेश्चन आता है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य शासक उदयन ने की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? मौर्य शासक थे उदयन, उन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। और सेल्यूकस और मौर्य का जो युद्ध है 305 ईसा पूर्व के आसपास हुआ था। और मेगस्थनीज के कार्यों का संकलन किस रूप में जाना जाता है आपसे पूछे तो इंडिका के रूप में जाना जाता है। उसने बताया था कि जो मेगस्थनीज ने बताया था कि जो पाटलिपुत्र है उसमें लगभग 64 फाटक हैं और 570 टॉवर हैं, मतलब वो इतनी ज़्यादा घिरी हुई थी पाटलिपुत्र कि कोई भी बाहर से कोई भी उसको आक्रमण नहीं कर सकता था, कोई भी इतना ज़्यादा सा पूरा कवर्ड उसको बनाया हुआ था। अब आपसे पूछें कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ये सभी चीज़ें जो बोल रही हूँ ये नोट डाउन करते जाइएगा। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे।
और बिंदुसार जो थे उनके कारण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी गद्दी छोड़ दी थी। और जो देखो एक और चीज़ याद रखना, जो मौर्य शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्म को मानते थे। इसके अलावा जो अशोक थे वो बौद्ध धर्म को मानते थे। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य दादाजी थे और अशोक उनके पोते थे, लेकिन पोता ने कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध धर्म अपनाया था। और जो दादाजी थे उन्होंने कौन सा अपनाया था, जैन धर्म बनवाया था। अब इनके जो अशोक के जो पिता थे बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, पुत्र के कारण उन्होंने अपनी गद्दी चंद्रगुप्त मौर्य ने छोड़ दी थी। और खुद बिंदुसार के कारण उन्होंने गद्दी छोड़ दी थी और खुद जो है एक जैन भिक्षु थे बद्रबाहु, उनके साथ चले गए थे, मतलब संन्यास के लिए चले गए थे कर्नाटक में। उन्होंने वहाँ पर जैन धर्म अपना लिया था। और जैसे कि जैन धर्मों में एक प्रथा है कि एक खुद भूखे रह के अपनी जान दे दी जा सकती है, तो जैन परंपरा के कारण श्रवण बेलगोला में उन्होंने खुद को भूखा रखा और मार डाला खुद को, मैं खुद की मृत्यु ले ली। तो इस प्रकार से ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में है। अगला क्वेश्चन है, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। देखो जो कुल बौद्ध संगीति हुई थी तीन हुई थी, और जो तीसरी वाली जो हुई थी बौद्ध संगीति वो पाटलिपुत्र में हुई थी। और ये किसके संरक्षण में हुई थी, ये अशोक के। टोटल बौद्ध संगीति चार हुई थी। और जो तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। वो किसके संरक्षण में इसको आयोजित करवाया था, इसको अशोक के संरक्षण में आयोजित कराया था। किसके संरक्षण में इसको आयोजित कराया था, अशोक के संरक्षण में इसको आयोजित कराया था। बुद्ध की जैसे ही मृत्यु हुई थी तो उनकी तुरंत बाद ही महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। पहली बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, महाकश्यप की में हुई थी। और इसका उद्देश्य था बुद्ध की शिक्षाओं की पवित्रता को बनाए रखना था। राजा कलौत्सुक के संरक्षण में हुई थी। और जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो 383 ईसा पूर्व के हुई थी, और वो सवाकामी की अध्यक्षता में हुई थी। तीसरी जो हुई थी अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुई थी, और चौथी कनिष्क के संरक्षण में हुई थी और वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। जहाँ पर जो है महायान और हीनयान दो इस प्रकार से धर्मों में बट गया था, तो याद रखिएगा। और पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, राजगृह में। पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी, राजा से याद रखिएगा। पहली कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। दूसरी कहाँ हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी। तीसरी कहाँ पे हुई थी, तीसरी बैठ पाटलिपुत्र में हुई थी। और चौथी कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। चौथी कहाँ पे हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और एक पांचवी का भी बोला जाता है जो हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन में हुई थी। तो इस प्रकार से ये बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी जो राजगृह में हुई थी वो 483 ईस्वी। ये बौद्ध संगीति बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में इसके से संबंधित पूछा जाता है। तो याद रखिएगा पहली 483 ईस्वी में राजगृह में हुई थी, दूसरी जो हुई थी वो 383 में वैशाली में हुई थी, और तीसरी जो थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में हुई थी, सबूर में हुई थी सॉरी। और जो चौथी है वो कुंडलवन में हुई थी, प्रथम एक ईस्वी में हुई थी, चौथी एक ईस्वी में हुई थी। और जो पांचवी थी वो उज्जैन में हुई थी, अभी 172 ईस्वी में हुई थी। तो इस प्रकार से ये पूरी बौद्ध संगीति के बारे में है। अगला है, मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाला शासक कौन था। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या बिंबिसार। देखो जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वही ऐसे थे जिन्होंने 137 वर्ष भारत में राज्य किया था। इन्हीं के शासन मतलब इन्हीं के ही कारण जब इन्होंने स्थापना की तभी तो मौर्य जो काल है वो 137 वर्ष मौर्य वंश रहा था। मौर्य वंश कितना रहा था, 137 वर्ष मौर्य काल रहा था। और सबसे बड़े समयों में जो सबसे बड़े शासन काल है उसमें इनकी गिनती की जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य इसके मौर्य साम्राज्य की नींव डालने वाले शासक थे। इनके मंत्री थे चाणक्य, और इन्होंने मौर्य साम्राज्य की नींव रख दी थी। 322 ईसा पूर्व में इन्होंने धनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी मौर्य वंश की स्थापना की थी, विष्णु गुप्त या चाणक्य के सहायता से की थी। मौर्य साम्राज्य के ये तो पहले शासक हुए। आपसे पूछे अंतिम शासक कौन थे, तो अंतिम शासक थे बृहदत्त। कौन थे, बृहदत्त। मौर्य जो चंद्रगुप्त मौर्य के थे उनके पुत्र थे बिंदुसार और उनके पौत्र थे सम्राट अशोक। बृहदत्त मौर्य साम्राज्य के अंतिम
शासक थे, 187 से 180 ईसा पूर्व तक इन्होंने शासन किया। बृहदत्त की हत्या उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। बृहदत्त की हत्या किसने की थी, जो कि मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की थी, एक जो ब्राह्मण शासक था, और उसने फिर शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा कौन है जो कि अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अमित्रघात किसको बोलते हैं, देखो अमित्रघात उसको बोलते हैं जिस बिंदुसार, अमित्रघात बोलते हैं शत्रुओं का शत्रु बिंदुसार। वह मौर्य राजा तो अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, वो क्या बोल कौन है उसका नाम, बिंदुसार मौर्य को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। बिंदुगुप्त बिंदुसार जो मौर्य थे वो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। और मित्रघात का मतलब होता है, मित्रघात का मतलब क्षत्रियों के विनाशकर्ता के रूप में भी इनको जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अमित्रघात के रूप में किसको जाना जाता है, बिंदुसार मौर्य को अमित्रघात के रूप से, अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसको सिंहसेन भी बोला है, और इसके अलावा इनको मद्रसार भी बोला जाता है। अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला, अमित्रघात का मतलब क्या होता है, जो शत्रुओं का नाश कर दे, तो शत्रुओं का नाश करने वाला अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। अगला है, मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश, अभी मैंने आपको बताया था मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश, बृहदत्त वंश, पुलिक वंश, सिसुनाग या हर्यक, इसका आंसर हो जाएगा हर्यक वंश। मगध राज्य का पहला शासन करने वाला राज्य कौन था, हर्यक वंश था। हर्यक वंश की जो स्थापना की थी वो बिंबिसार ने की थी। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार जो थे वो गौतम बुद्ध के सबसे बड़े संरक्षकों में से थे, और मगध की जो राजधानी थी वो राजगृह थी। कौन थी मगध की राजधानी, राजगृह थी। 544 से 492 ईसा पूर्व तक ये रहे थे। तो मगध राज्य का पहला ज्ञात राजवंश कौन था, हर्यक वंश था। किसने इसकी स्थापना की, बिंबिसार ने की, लगभग 544 से 425 ईसा पूर्व। अभी मैंने आपको बताया कि मगध की इसकी जो राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी राजगृह, मगध की राजधानी क्या थी, राजगृह थी। फ्रेंड ये मेरे MPPSC प्रीलिम्स के नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ के बारे में तो आपको मैं बता चुकी हूँ, बहुत ही शानदार सुपर डुपर ये नोट्स हैं, सुपर डुपर तरीके से तैयार किए गए हैं। इसमें बहुत सारे वन लाइनर फैक्ट हैं, हैंड रिटन कुछ बुकलेट इसमें पूरी तरह से हैंड रिटन है, जिसको पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और ये इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि पढ़ने से आपको बोरियत नहीं होगी। बड़ा बड़ा फॉन्ट लिया है, जो टॉपिक कठिन है उसको वन लाइनर फॉर्म में लिखा है। यूनिट 9 यूनिट 7 पूरी तरह सिलेबस को कम्प्लीट करते हुए, सिलेबस के हर टॉपिक को करते हुए वन लाइनर फॉर्म में डाली हैं। जो इतिहास की और भूगोल की बुकलेट है उसके भी वन लाइनर फॉर्म डाले हैं, लगभग 3-4 हज़ार वन लाइनर है। मध्य प्रदेश के इतिहास को बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट सहित समझाया है। मध्य प्रदेश का भूगोल भी चित्र और फ्लो चार्ट सहित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से कवर किया है। भारत की संविधान व्यवस्था को, जितनी भी कंपनी है भारत रत्न कंपनी, ये मैंने टेस्ट में भी इन सब के MCQ लिए हैं, और ये आपको थ्योरी में और वन लाइनर में दोनों ही आपके लिए गजब का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट प्री ले दे रहे हो, ये वाली प्री दे रहे हो, तो इससे आप थ्योरी कर सकते हो और उससे आप MCQ। देखिए इस तरह से ये नोट्स का रिव्यू है, इस तरह से ये तैयार किए गए हैं। तो अगर इनका चार्ज 2599 है नोट्स का, ये जो थ्योरी नोट्स हैं वन लाइनर नोट्स हैं, और इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करके नोट ले सकते हैं। साथ में अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सअप पर सेव नहीं कराया है तो करा दीजिएगा, कमेंट बॉक्स से व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।